آیات میں حروف محمد تیار ہوتے
होते हैं कि जिनका ना मानी जाहिर होता है ना मफहूम जाहिर होता है। ये आयात अशाबहात होती है कि जिनका मानी तो जाहिर होता है और मफहूम जाहिर नहीं होता, और फिर वो आयात होती है कि जिनका मानी भी जाहिर है और मफहूम भी जाहिर है, जिनसे शरीयत के अहकाम बनते हैं, जिनसे शरीयत के अहकाम बनते हैं। ये आयत अशाबहात में से है कि इसका माना तो जाहिर है लेकिन मफहूम जाहिर नहीं है, मफहूम जाहिर नहीं है। जिस तरह कुरान करीम में अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है ये तो वही मौत ही जो उनके हाथों पर अल्लाह का हाथ है, उनके हाथों पर अल्लाह का हाथ है। जो ये आयत पढ़ के कहते हैं कि हुजूर आम बशर है, मैं उनसे सवाल करना चाहता हूँ तो ये तो वही मौत आई ही जब रब करीम ने इरशाद फरमाया कि उनके हाथों पर अल्लाह का हाथ है। अब जब अल्लाह का हाथ साबित करो ना, इस पर बहस करो ना कि हमारा भी हाथ है, अल्लाह का भी हाथ है। अल्लाह का हाथ साबित करने की कोशिश करो, जो अल्लाह का हाथ साबित करने की कोशिश करेगा वो तारे इस्लाम से खारिज हो जाएगा, वो तारे इस्लाम से खारिज हो जाएगा, वो कुफ्र करेगा, तारे इस्लाम से खारिज हो जाएगा। पता चला रब ने कहा कि हाथ है पर तू इसमें खुश न हो कि वो हाथ तेरी तरह है, वो आयत मुतशाबहात में से है, वो रब जानता है, वो रब जानता है वो क्या फरमा रहा है। इसी तरह कुरान होना मौजूद है तो इसका यह मतलब नहीं है कि तू भी हुजूर जैसा हो गया कि रब जानता है कि हुजूर की मशरियत कैसी है, हुजूर अलैहि सलाम की शान कैसी है। इसका यह मतलब नहीं है कि तुझे भी बशर कहा तो तू भी उन जैसा हो गया। रब करीम ने कुरान करीम ने फरमाया तुम्हारी तरह हो, ना मैं तुम्हारी तरह हूँ।
दुनिया में आ सकता है ना ही दुनिया में आ सकता है। बात मुफस्सिरीन की, ये मैं अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा, मैंने मुफस्सिरीन को पढ़ा है जिन्होंने ये बात लिखी है। बात मुफस्सिरीन की, कुल इन्नमा अना बशरुन रसूल की तफसीर में कहा कि ये ऐसे ही है कि जब रब करीम ने, जब कुरान करीम का नज़ूल हुआ और कई लोगों ने कुरान मानने से इनकार कर दिया, कहा यह तो बशर का कलाम है, ये तो शायरी है, इसमें तो मन धर्म बातें हैं, हम ये नहीं मानते। रब करीम ने कुरान करीम ने चैलेंज फरमाया, अच्छा ये बशर का कलाम है, यहाँ मन धर्म बातें हैं, तो तुम किस जैसे एक आयत ला के दिखा दो, एक आयत इस जैसे ला के दिखा दो, अगर ये बशर का कलाम है तो बशर कोई भी बशर एक आयत इस जैसे ला के दिखा दे, लोगों ने मानने से इनकार कर दिया, कहा क्यों नहीं मानते मुस्तफा को, कहा ये तो हमारी कलाम का बशर है। जब मुनाफिकीन ने, जब मुशरिकीन ने ज्यादा अट लगा ली कि ये तो आम बशर है, ये तो आम बशर है, रब ने फरमाया भाई बिल्कुल को ना मानो बशर को, सुन तो आप भी कह दो तो अच्छा ये बात है तो ठीक है, मैं तुम्हारी तरह का हूँ, चलो मैं तो तुम्हारी तरह हूँ, लेकिन जरा तुम मेरी तरह बन के दिखाओ ना, मैं हाथ उठाता हूँ सुने।
سکتا ہے دنیا میں.
کیا بلکہ یہ عقیدہ قرآن سے آیا ہے کہ حضور علیہ السلام کی مثل صرف رب کریم نے کسی اور پر نہیں بنایا، رب کریم نے کسی اور پر نہیں بنایا۔ حضرت جلال الدین رومی آپ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت جلال الدین رومی کہتے ہیں کہ یہ تو ابو جہل کا عقیدہ تھا کہ حضور ہماری طرح کے بشر تھے۔ وہ کہتا تھا کہ نبی کے بھی دو ہاتھ، ہمارے بھی دو ہاتھ، نبی کی بھی دو آنکھیں، ہماری بھی دو آنکھیں، تو اس کا مطلب کہ نبی ماں والا ہماری طرح کا آپ بشر ہے۔ حضرت جلال الدین رومی کہتے ہیں کہ یہ تو ابو جہل کا عقیدہ تھا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ حضور علیہ السلام ہماری طرح کے بشر ہے تو اس کے لیڈر کا نام کس ہے؟ اللہ اگر مجھے دیکھنا ہو تو مجنوں کی آنکھ چاہیے، جلال
حضور علیہ السلام کو بھی برائے راست دینے والی اللہ کی ذات ہے. اسی میں صرف اشتراک ہے, باقی کسی شان میں بھی یا کسی مقام میں بھی کوئی حضور کی گردے رات تک نہیں پہنچ سکتا. اللہ قریب ہے, حضور کو ہر سگل میں بے نظیر و بے مثال بنایا ہے, بے نظیر و بے مثال بنایا ہے. عام انسان حضور جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یاد رکھیے گا, شان اور مقام کے معاملے میں کوئی نبی نہیں ہمارے نبی جیسا نہیں. اللہ کی جانب سے دلیلیں لے کے آئے, اللہ کے دلائل لے کے آئے, معجزات کی صورت میں جب حضور علیہ السلام تشریف لائے تو دلائل لے کے نہیں آئے بلکہ خود اللہ کی دلیل بن بن کر وہ معجزات لے کے آتے رہے. حضور علیہ السلام تشریف لائے تو خود معجزہ بن کر تشریف لائے. رب کریم نے قرآن میں فرمایا, حضور کا میلاد بیان کرواتے ہوئے فرمایا,
हुजूर के जैसा हुस्न है, वैसा हुस्न ही अल्लाह ने किसी और को अता नहीं फरमाया। मुझसे पहले मेरे बहुत ही प्यारे भाई अदनान कादरी हुजूर के हुस्न का जिक्र कर रहे थे ना, मैं भी जरा हुजूर के हुस्न का कुछ चर्चा आपके सामने करता हूँ, जिक्र करता हूँ और बताता हूँ कि हुजूर की बाकी शाने तो बाकी शाने हैं। हुजूर के हुस्न जैसा हुस्न किसी के पास नहीं है, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह
اللہ والوں کا رسول اللہ کے غلاموں کا یہ اعزاز ہوتا ہے کہ ان کی محافل میں اگر ذکر ہوتا ہے تو صرف مصطفیٰ کا، اگر شان بیان کی جاتی ہے تو فقط مصطفیٰ کی کی جاتی ہے۔ اس لیے Yeah.
اللہ کے لیے مجھے آپ ہم سب حضور علیہ السلام نعرہ تکبیر اللہ اکبر
Nara,
شکریہ ادا کرتا ہوں اللہ کریم آپ سب کو اپنی خاص رحمت سے